देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर पीएम मोदी ने कल हाई लेवल मीटिंग की। पीएम ने ट्रेसिंग टेस्टिंग के मंत्र के साथ वैक्सीनेशन में तेजी लाने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। हालात और ज्यादा खराब ना हो इसके लिए मध्य प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में भी आज कोरोना से बचाव के लिए नई गाइडलाइन जारी होगी। इस बीच ब्रिटेन में लगातार दूसरे दिन 1 लाख से ज्यादा केस आने से महामारी के भयावह दौर का डर सताने लगा है। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर कल देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी ने ट्रेसिंग और टेस्टिंग पर जोर देते हुए कहा कि निचले स्तर तक हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त और बेहतर किया जाए। पीएम ने कहा कि दवा और ऑक्सीजन का स्टॉक कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए। केंद्र की ओर से राज्यों को हर मदद दी जाएगी। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। बीती रात से ही भोपाल में नाइट कर्फ्यू का असर दिखने लगा है। पुलिस प्रशासन भी नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए सड़कों पर एक्शन पर दिखी। इसके साथ ही बैतूल और राज्य के दूसरे शहरों में भी नाइट कर्फ्यू का असर साफ दिखाई दिया। देश में ओमिक्रॉन के नए केस हर दिन तेजी से बढ़ रहे हैं। कल तमिलनाडु और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का विस्फोट हुआ। तमिलनाडु में एक ही दिन में 33 नए मामले आने से चिंता बढ़ गई है। दूसरी तरफ सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में भी कल 23 नए ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। इन दो राज्यों के अलावा गुजरात में भी कल 7 ओमिक्रॉन संक्रमित मिले, जबकि कर्नाटक में 12 और केरल में 5 नए मरीज मिले हैं। एक ही दिन में देश में 87 नए संक्रमित मिले हैं। महाराष्ट्र के साथ देश के 5 राज्यों में ओमिक्रॉन की रफ्तार काफी तेज है। देश के 17 राज्यों में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या अब 357 हो गई है। एक दिन पहले ये संख्या 268 थी। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में 88 हैं। इसके बाद दिल्ली में 57, तेलंगाना में 38, तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 31, गुजरात में 30, केरल में 29, राजस्थान में 22, हरियाणा में 4, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में 3-3, ओडिशा में 4, यूपी में 2 और उत्तराखंड, लद्दाख और चंडीगढ़ में 1-1 केस मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कल समीक्षा बैठक की। राज्य में अगले 24 घंटे में महामारी से बचाव को लेकर नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। सरकार ने लोगों से क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर भीड़भाड़ नहीं करने की हिदायत दी है। इस बैठक में दूसरे राज्यों में लगाई गई पाबंदियों पर भी विचार किया गया। कल महाराष्ट्र में कोरोना के 600 से ज्यादा नए केस मिले। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तेजी से बढ़ते संक्रमण को लेकर कल समीक्षा बैठक के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में रोजाना 3 लाख टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही दवाओं और मेडिकल ऑक्सीजन के स्टॉक बनाने पर भी काम शुरू हो चुका है। हल्के लक्षण वालों के लिए होम आइसोलेशन पर जोर दिया जा रहा है। कल दिल्ली में कोरोना के 118 नए केस मिले हैं। ओमिक्रॉन संकट को लेकर गुरुवार को केंद्र ने राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया। महामारी के नए वेरिएंट से निपटने के लिए केंद्र ने राज्यों को 5 सुझाव दिए हैं, जिसमें पॉजिटिव केस, डबलिंग रेट और क्लस्टर पर नजर रखने की सलाह दी गई है। इसके साथ त्योहारी सीजन को ध्यान में रखकर स्थानीय पाबंदियां और जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाने की भी सलाह दी गई है। वैक्सीनेशन का लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर देने को कहा गया है। ब्रिटेन में कोरोना और ओमिक्रॉन की बेकाबू रफ्तार से हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो गए हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। गुरुवार को भी 1,19,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले हैं। ब्रिटेन में एक दिन में अब तक के ये सबसे ज्यादा मामले हैं। एक दिन पहले 1,06,000 से ज्यादा संक्रमित मिले थे। यहाँ के अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगी है। कोरोना और ओमिक्रॉन के संकट के बीच दुनिया में महामारी के एक और नए वेरिएंट ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूरोप और अमेरिका में केस बढ़ने के पीछे डेल माइक्रॉन वेरिएंट ही है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट की म्यूटेशन से नया वेरिएंट डेल माइक्रॉन बना है। यही वेरिएंट अमेरिका और यूरोप में तबाही मचा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।